लेकिन अब जरा आपको बताते हैं चक्रवाती तूफान क्यों इतना ये गंभीर, इसको लेकर चेतावनी दी जा रही है। 10 यानी बड़े सिग्नल के जो खतरे हैं वो आपको बता दें, ओखा, न्यू कांडला, नवलाखी, सलाया, जखाओ, मांडवी और मुंद्रा, ये ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और इसीलिए यहां पर अलर्ट भी किया गया है। स्थिति को देखते हुए कहीं पर येलो अलर्ट भी किया गया है। समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठती हुई अभी दिख रही है। पश्चिम दक्षिण तटीय इलाके जो हैं वहां पर जबरदस्त बारिश जो है वो हो सकती है और उसके लिए भी अलर्ट रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम से बात कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि अलर्ट किस तरीके से रखा गया, क्या इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो तट पर तैयार की गई हैं, तैनात हैं। गुजरात के कच्छ से मुंबई तक अलर्ट है क्योंकि इसका असर वहां तक दिखेगा, यानी जहां जहां इसका असर दिख सकता है वहां वहां अलर्ट किया गया है। खासतौर पर जो सैलानी घूमने पहुंचते हैं उनको भी तट से अलग रखा गया है। कांडला जिसको बंद कर दिया गया है, एक पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे क्यों इतना खतरनाक है ये तूफान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात से महाराष्ट्र तक अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। गुजरात में कई जिलों में खतरा बना हुआ है, महाराष्ट्र में भी सरकार सतर्क दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 14 जून को गुजरात के कच्छ से गुजरेगा, जो 15 जून को पाकिस्तान के कराची तट तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात पर चक्रवाती तूफान का बड़ा खतरा, तबाही मचाने आ रहा है बिपरजॉय तूफान। मौसम विभाग ने बजाई बड़े खतरे की घंटी, मछुआरों को समुद्र खाली करने का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अब यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है। इसका असर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। अभी जो है ये साइक्लोन आपके ईस्ट सेंट्रल अरब सागर और नॉर्थ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट अरब सागर के पास ही है और ये धीरे धीरे उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है और 14 तारीख की सुबह तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारे जो सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका है वहाँ तक पहुँच जाएगा सुबह सुबह तक और बाय दोपहर तक ये अपना क्रॉस कर जाएगा। अनुमान है कि जखाओ पोर्ट जो है उसी के पास ही वो अपना लैंडफॉल करने वाला है और उस टाइम उसका जो गति होगी 125 से 135 किलोमीटर पर आवर और कभी कभी झोंकों के साथ 150 किलोमीटर पावर भी पर आवर भी हो सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी लगातार बैठक कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारका के गांव में बनाए गए सेंटर पर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जान माल का नुकसान होने से रोकने की है। इधर के तट पे बसे हुए गांव में जो लोग निचान वाले विस्तार में रहते हैं उनको उनके परिवार के साथ स्थलांतरित किया गया है और उन्हें आसपास के स्कूल्स और जो बुजुर्ग लोग हैं जो दर्दी है उनको पीएचसी सीएचसी में भी शिफ्ट किया गया है। आज खास तौर पे समंदर के तट के कई गांव में हमने अलग अलग टीम बनाई है जिनके माध्यम से ये गांव में जाके जो लोग आज भी यहाँ से स्थलांतरित नहीं हुए हैं हम लोग ने टारगेट किया है कि आज शाम तक ऐसे सभी गांवों से लोगों को स्थलांतरित किया जाएगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपना रास्ता बदल दिया है। अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय जो पहले पाकिस्तान के तट की ओर जाता हुआ दिख रहा था लेकिन अब इसने अपना रास्ता बदल लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक गुजरात पहुंचने के आसार हैं। सबसे पहले जकाऊ पोर्ट पर हिट करने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ समेत 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा के लिहाज से समुद्र से सटे इलाकों में रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है।
गुजरात में बिपरजॉय 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट करेगा। इसकी अधिकतम स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। पोर्ट को बंद करना पड़ता है, फिर जैसे एयर ट्रैफिक को रेगुलेट करना पड़ता है, उस वहाँ आसपास की जो भी एयरपोर्ट है वहाँ नहीं जाना है। देन आपका जैसे मछुआरे का तो बहुत पहले से ही हमने मना कर दिए हैं, और वहाँ के जो बोटिंग शिपिंग जो भी है उनको भी बोल दिया गया है कि 15 तारीख में कुछ भी नहीं करना है। और फिर जो स्टेट अथॉरिटी, स्टेट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बाकी सारे वहाँ के जो स्टेट के डिपार्टमेंट के साथ वो बाकी सारे एक्शन लेते हैं, जैसे